तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कितनी एक्टिव आप रहती हैं? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा, बिल्कुल नहीं है? नहीं। उसका जो सोशल मीडिया का मोबाइल का इम्पैक्ट कितना, पढ़ाई में असर कितना पड़ता है? मोबाइल का मेन इम्पैक्ट पढ़ाई में होता है, क्योंकि वो एक मेन डाइवर्जन की तरह उभर के आता है। तो जब भी हम पढ़ाई करें तो सबसे पहली बात तो है कि फ़ोन अपने आसपास ना रखें। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ठीक है, एक लिमिट में रहो, लेकिन अगर उस लिमिट को आपने पार कर दिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको फॉरेन ट्रिप के लिए लेके जाएंगे, तो कैसे, दिल में कितनी खुशी है? खुशी की तो कोई लिमिट नहीं है, खुशी तो बस बहुत ज़्यादा ही है। पेरेंट्स का कैसा आपको सपोर्ट है? पेरेंट्स का मेरे लिए फुल सपोर्ट है, पीछे से वो कहते हैं तुझे उड़ना है उड़, तुझे जो करना है कर। जैसे आपकी जैसे एज है, इस एज में बच्चे का माइंड डाइवर्ट होते हैं, विशेष तौर बॉयज की, गर्ल्स की अदर, उसमें है ना बच्चे एक तरह से जो फ्रेंड सर्कल है वो खराब कर देता। तो बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, अदर एक्टिविटी में ध्यान ना दे, उसके लिए किस तरह के एक तरह से प्लानिंग करनी चाहिए पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? मेनली मेरे अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। फ्रेंड सर्कल होता है उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग तो ठीक है साथ है, बुरे लोग से कटने के लिए क्या ट्रिक अपनाना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं होंगे, इनकी सोच गलत है, उससे हम लोग दूर रहेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उसके लिए किस तरह की ट्रिक होनी चाहिए? देखो, बुरे लोगों से दूर होने के लिए आई बिलीव कि हमें अच्छे दोस्ती बनाने चाहिए सबसे पहले। तो फॉरेन जाने का ट्रिप इनको मिलने वाला है क्योंकि नंबर अच्छे आए हैं, इसलिए पहले हम इनसे नाम भी जानेंगे और कितने मार्क्स आए हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं पूरी आपको हम जानकारी देंगे। क्या नाम है पहले तो आप नाम बताइए? कनिष्का। कनिष्का, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं स्मॉल वंड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 10th। तो नंबर आपके क्या आए हैं? मेरे 95.2% आए हैं। 95.2। अच्छा, तो जैसे कि इतना अच्छा आपने नंबर प्राप्त किया है स्कूल में, जैसे स्मॉल वंडर में आप कब से पढ़ रही हैं? मैं अपनी शुरुआत से ही स्मॉल वंडर में ही हूँ, मतलब मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर 10th तक मैंने स्मॉल वंडर में ही किया है। अच्छा, तो अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा है कि जैसे शुरुआत से लेकर अब तक आप यहाँ पढ़ती आई हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा स्कूल से एक ऐसे इमोशनल कनेक्शन है जो कि क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में हूँ तो मेरी हर एक लाइफ का अप्स एंड डाउन्स इसी स्कूल में गुजरा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी है स्कूल में, एंड जो मेरी मेमोरीज बनी है स्कूल में वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे अच्छी मेमोरी बनी, अच्छे आपने जैसे कि नंबर प्राप्त किया है, तो आज अगर बात करें आपको अशोक गोयल मंगाली वाला द्वारा फॉरन ले जाने की बात भी सामने आई है, क्या सच है? जी हाँ, अशोक मंगाली वाला जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि जो भी 10th के एग्जाम्स में टॉप आएगा उसको वह 2 दिन का दुबई टूर देंगे, जो कि सच हुआ है। मतलब उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। जो कहा था वो करके दिखाया। तो आपके पासपोर्ट वगैरह बना लिए गए हैं? हाँ जी, पुलिस वेरिफिकेशन सब हो चुका है, बस पासपोर्ट आने की देर है। अच्छा, तो वहाँ पे कि दुबई ले जाके क्या आपको दिखाने वाले, कहाँ विजिट कराने वाले, आपके साथ में कौन लोग जाने वाले हैं? एक्चुअली जो अशोक सर थे उन्होंने 10 स्कूल्स को अडॉप्ट किया था पूरे हिसार में से, तो उनके जो टॉपर्स हैं, मतलब हम 10 बच्चे जाएंगे वहाँ दुबई, तो उन्होंने कहा था कि वो उनका जो स्कूल है शारजा में वो हम विजिट कराएंगे, वहाँ के वन ऑफ द प्रिंसेस के साथ मिलाएंगे और जो उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह वो भी दिखाएंगे। तो कैसा लगता है कि एक नंबर अच्छे प्राप्त हुआ और एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि जो अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको फॉरेन ट्रिप के लिए लेके जाएंगे, तो कैसे, दिल में कितनी खुशी है? खुशी की तो कोई लिमिट नहीं है, खुशी तो बस बहुत ज़्यादा ही है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे अशोक सर जैसे व्यक्ति और भी आए समाज में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको और भी मोटिवेशन मिले और वो और भी अच्छे मार्क्स लेके आए। जैसे स्मॉल वंडर में आप शुरुआत से पढ़ रही हैं, तो वीके अरोड़ा जी की हम बात करें, आपके डायरेक्टर यहाँ पे स्कूल के, उनका कैसा रहता है बच्चों के प्रति, किस तरह की उनकी वो रहती है कि हाँ बच्चे पढ़ो या पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं या अदर एक्टिविटी में, किस तरह से रहता है यहाँ का स्कूल का जो मैनेजमेंट की अगर बात करें? स्कूल मैनेजमेंट का जो बैलेंस है एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बीच में वो इक्वल रहता है, मतलब वो पढ़ाई को भी इक्वल जोर देते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी। तो जो वीके अरोड़ा सर हैं उन्होंने हमें शुरू से ही प्रोत्साहन किया है कि आप स्टडीज़ में तो रहो ही, लेकिन साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी साथ साथ अपना योगदान देते रहो। जैसे आज हम देख रहे थे कि आपको सम्मानित किया और साथ में आपके साथ और बच्चे भी थे सम्मानित होने वाले और आपको तो फॉरन का ट्रिप मिला, वहीं पे एक टीचर थी जिनका नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया, क्या नाम है उन टीचर का और कैसा उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति?
उन टीचर का नाम है सुप्रिया मैम, वो हमारी आईटी की टीचर थी, तो वो बहुत ही स्वीट टीचर है, मतलब हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है, मतलब किसी को ऐसे डांटना वगैरह नहीं होता, तो जो वो पढ़ाती है इतने सलीके से पढ़ाती है कि हमें एक एक चीज़ समझ में आती है। तो जैसे आपने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए, बाहर आप जा रही हैं, तो माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप के सपने भी थे जैसे बच्चे जन्म होता है कि कहेंगे कि अच्छे पढ़ा लिखा कर अच्छे से उसको एक तरह से अच्छे स्थान पर पहुँचाएं, तो आप उस स्थान पे पहुंचती जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पेरेंट्स का कैसा आपको सपोर्ट है? पेरेंट्स का मेरे लिए फुल सपोर्ट है, पीछे से वो कहते हैं तुझे उड़ना है उड़, तुझे जो करना है कर। तो मेरे पेरेंट्स को भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं फॉरेन जा रही हूँ, तो दे वर लाइक कि कोई मुस्लिम कंट्री है तो तेरे को कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, तू जा और मजे कर। जैसे कि स्कूल की मैनेजमेंट और पेरेंट्स में हर दोनों का कम्युनिकेशन होता है, जब सपोर्ट करते हैं तो बच्चा आगे निकलता है, तो आप जो ये तरह जो अचीवमेंट आपने प्राप्त किया उसका श्रेय आप किसको देंगी? उसका श्रेय मैं स्कूल के साथ साथ अपने पेरेंट्स को, दोनों को ही दूंगी, क्योंकि एक सपोर्ट मुझे स्कूल का भी रहा है और अपने पेरेंट्स का भी रहा है, तो उसी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। जैसे आपकी जैसे एज है, इस एज में बच्चे का माइंड डाइवर्ट होते हैं, विशेष तौर बॉयज की, गर्ल्स की, कि अदर उसमें ना बच्चे एक तरह से जो फ्रेंड सर्कल है वो खराब कर देता, तो बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, अदर एक्टिविटी में ध्यान ना दे, उसके लिए किस तरह के एक तरह से प्लानिंग करनी चाहिए पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए? मेनली मेरे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए, फिर उसी टारगेट के लिए उनको मेहनत करनी चाहिए और उसी टारगेट को देख के उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे ये अचीव करना है तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो उसी को देख के उनको मोटिवेशन मिलती है और वो इन सब डाइवर्जन से दूर ही रहते हैं। तो जैसे कि ना फ्रेंड सर्कल होता है उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग तो ठीक है साथ है, बुरे लोग से कटने के लिए क्या ट्रिक अपनाना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं होंगे, इनकी सोच गलत है, उससे हम लोग दूर रहेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उसके लिए किस तरह की ट्रिक होनी चाहिए? देखो बुरे लोगों से दूर होने के लिए आई बिलीव कि हमें अच्छे दोस्ती बनाने चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से दोस्त हमारे लिए अच्छे और कौन से बुरे, तो जो बुरे हैं उनसे हमें शुरुआत से ही दूर रहना चाहिए और जो अच्छे हैं उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में लाना चाहिए। तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में कितनी एक्टिव आप रहती हैं? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा, बिल्कुल नहीं है? नहीं। तो सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे अगर बात करें, युवतियाँ युवक सभी लोग ना 8वीं 9वीं क्लास से नहीं उससे पहले ही बच्चे आजकल तो अब 4थी 5वीं से बच्चे मोबाइल लेके गेम खेलना, ये उसका जो सोशल मीडिया का मोबाइल का इम्पैक्ट कितना पढ़ाई में असर कितना पड़ता है? मोबाइल का मेन इम्पैक्ट पढ़ाई में होता है क्योंकि वो एक मेन डाइवर्जन की तरह उभर के आता है, तो जब भी हम पढ़ाई करें तो सबसे पहली बात तो है कि फ़ोन अपने आसपास ना रखें, तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ठीक है एक लिमिट में रहो, लेकिन अगर उस लिमिट को आपने पार कर दिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सोशल मीडिया की जैसे कि बच्चे हैं और इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से दूर हैं, जो आज इतने अच्छे नंबर प्राप्त करना और फॉरन की ट्रिप इनको हासिल करना सोशल मीडिया से दूर रहने का भी कारण है, और बच्चों से ये भी ये कह रहे हैं कि निवेदन सोशल मीडिया से जितना हो दूर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने यूज़ किया लेकिन इतना अगर उसमें सोशल मीडिया घुस जाओगे तो आपका फ्यूचर धूमिल होने वाला है। तो जैसे पढ़ाई आप कर रही हैं अच्छे, फॉरन आप जा रहे हैं, तो अभी जाने के आने के बाद अभी फिलहाल आप कौन से स्कूल में, यहाँ से तो आप पास आउट हो गए, अब कौन से स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है? अभी मैं सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल में हूँ जो यहाँ दाबरा रोड पर स्थित है, और उसमें मैं 11th नॉन मेडिकल में पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो सपने क्या है? मेरा टारगेट NDA का है जो कि 12th के बाद एग्जाम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपनी जो पूरी शक्ति है मेरी वो मैं अपनी कंट्री को सर्व करने में लगाऊँ। तो स्मॉल मंडल स्कूल से आपने शुरुआत की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे नंबर प्राप्त किया, तो आप स्मॉल मंडल स्कूल के लिए दो शब्द में अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ये स्कूल एक स्कूल नहीं है, ये मेरे लिए एक अपनी दूसरी ही फैमिली है, तो शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पे मेरे जो टीचर्स हैं वो एज मेरे खुद के पेरेंट्स की तरह उन्होंने मेरे लिए सपोर्ट किया है, और जो एज वेल एज डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम हैं वो भी इतने ज़्यादा फेमिलियर है मेरे साथ कि एज इफ उनको मैं अपनी फैमिली ही देखती हूँ। तो कभी प्रिंसिपल सर से या मैडम से कभी डांट खाई है आपने? डांट थोड़ी बहुत तो चलती रहती है क्योंकि प्यार तो डांट में ही दिखता है, तो डांट थोड़ी बहुत खाई होगी, इतना तो मैटर नहीं करता। कभी कोई ऐसा पल कि हाँ स्कूल में थी मैं और मेरे को ना कुछ ऐसा एक खुशी का या गम का कोई ऐसा पल याद है कि स्मॉल मंडल स्कूल में गए तो ये मेरा कहीं भी जाओ ना मुझे याद रहेगा वो चीज़? ऐसे बहुत सारे पल हैं, तो ऐसे इनको एक इंटरव्यू में कुछ मैं कह नहीं सकती क्योंकि ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं तो समेटे हुए हैं सभी। हाँ जी, चलो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
कि जैसे स्मॉल बंडल पब्लिक स्कूल के इन्होंने शुरुआत की, पढ़ाई की, अब यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं, और एक तरह से अशोक गोयल मंगाली वाला ने जो वादा किया था कि जो बच्चे हैं जो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे उनको मैं फौरन लेके जाऊंगा, आज वो आके घोषणा यहाँ करके गए, इनको सम्मानित करके गए, और आने वाले समय में ये दुबई जाके भी आएंगे, और दुबई से आने के बाद हम इनसे संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे कैसी वहाँ की ट्रिप रही, क्या इन्होंने वहाँ पे देखा, और इनके अनुभव भी हम साझे करेंगे।